हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एन एम सिद्दीकी। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं विजय राघवगढ़, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं राजा प्रयागदास का खूबसूरत ऐतिहासिक किला। दोस्तों, यह किला मध्य प्रदेश में कटनी जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर विजय राघवगढ़ में स्थित है। दोस्तों, इस किले को मैहर के राजा विष्णु सिंह के छोटे भाई राजा प्रयागदास ने सन 1826 में बनवाया था। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, खूबसूरत रास्ते का आनंद लेते हुए हम बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं किले के पास। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं किले के पास और ये है किले का शानदार नजारा। दोस्तों, इस किले के वास्तु डिजाइन में कुछ विशेषताएं हैं जो इसे इस किले को खास बनाती हैं। इस किले के चारों तरफ सुरक्षा खाई का निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं यह खाई कितनी चौड़ी और गहरी है, और खाई के बाद किले की ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें हैं। इस खाई को पार करके दुश्मनों का किले तक पहुंचना नामुमकिन था। आप देख सकते हैं खाई। इसके अलावा दोस्तों, किले के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मजबूत बुर्ज बने हुए थे, ये देख सकते हैं। इन बुर्जों में राजा के सिपाही हमेशा तैनात होते थे। खतरे का आभास होते ही इस खाई में पानी भरवा दिया जाता था। इसके लिए भी एक व्यवस्था थी। यहाँ से कुछ दूरी पर एक बांध है, उस बांध में पानी हमेशा लबालब भरा होता था। युद्ध की आशंका होने पर बांध के गेट खोल दिए जाते थे और नाले के द्वारा वह पानी सीधे इस खाई में आ जाता था। इसके लिए भी एक व्यवस्था थी। आप यह जो पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ के नीचे झाड़ियों के पास एक बड़ा सा गेट बना है, उस गेट को खोल दिया जाता था और पानी नाले के द्वारा सीधे इस खाई में आ जाता था। इस तरह खाई कुछ ही घंटों में पानी से भर दी जाती थी। दोस्तों, इस दीवार में जगह जगह सुरक्षा क्षेत्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं इन सुरक्षा क्षेत्रों को। इन सुरक्षा क्षेत्रों से राजा के सिपाही बंदूकों के द्वारा दुश्मनों पर किसी भी कोण से निशाना लगा सकते थे। आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं, इन सुरक्षा क्षेत्रों के जद में आएंगे, ऐसी व्यवस्था थी इधर। जबकि दुश्मन राजा के सिपाहियों को देख भी नहीं पाते थे। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ का प्रवेश द्वार इस तरीके से बनाया गया था कि बाहर से डायरेक्टली नहीं दिखाई देता। आइए हम आपको प्रवेश द्वार भी दिखाते हैं। यह देखिए किले की दीवार है और इधर इस तरफ देखिए प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार और किले की दीवार के बीच फासला देखिए बहुत ही कम है। यह सुरक्षा कारणों से है। पुराने जमाने में हाथियों और लकड़ी की बड़ी बड़ी बल्लियों से प्रवेश द्वारों को तोड़ा जाता था, इसलिए इधर इतनी जगह ही नहीं दी गई कि हाथियों को खड़ा किया जा सके या प्रवेश द्वार को बड़ी बड़ी लकड़ी की बल्लियां लगाकर तोड़ा जा सके। इस तरह दोस्तों, यहाँ के किले की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद थी। फिर भी अंग्रेजों ने सन 1857 में धोखे से इस किले को राजा सरयू प्रसाद से छीन लिया था। आप देख सकते हैं सुरक्षा क्षेत्र, ये जगह जगह पूरे किले में बने हुए हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर का नजारा। अब हम हो गए हैं प्रवेश द्वार के अंदर और देखिए अंदर भी एक लोहे के चैनल गेट लगा हुआ है और अंदर की दीवालों पर देखिए सुरक्षा क्षेत्र जगह जगह बने हुए हैं। यह है किले का अंदर का नजारा। दोस्तों, इस किले को राजा प्रयागदास के सुपुत्र राजा सरयू प्रसाद से अंग्रेजों ने सन 1857 में छीन लिया था। इस किले का पूरा इतिहास अगर आपको जानना है तो हम बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाले हैं, विजय राघवगढ़ किले का इतिहास, आप इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब यह किला पुरातत्व विभाग के अधीन है और इधर की एंट्री फीस अभी कुछ भी नहीं है। आप जब चाहें आप इधर आ सकते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक जगह है। दोस्तों,
अब हम आपको लेकर चलते हैं परम बाबा स्थल की ओर। यह देखिए, यह परम बाबा स्थल का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर लोग जूते और चप्पलें उतार देंगे और यह देखिए हम आ गए हैं इधर परम बाबा स्थल के अंदर। यह देखिए यहाँ का शानदार नजारा। यहाँ पर एक पक्का कुआं भी है, देखिए सुरक्षा कारणों से उसमें जाली लगा दी गई है। हम दूर से ही आपको दिखा देते हैं यहाँ का सुंदर और बेहतरीन नजारा। देखिए यह देखिए स्तंभों की लंबी कतारें, इसे पहले कचहरी महल भी कहा जाता था। दोस्तों हम यहाँ का प्रवेश द्वार आपको एक बार दिखा दें। यह देखिए जहाँ से अभी हम आए हैं, यह परम बाबा स्थल का प्रवेश द्वार है। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने इसे दो पार्ट में बनाया है। आप ये पार्ट वन देख रहे हैं। अगर रंग महल और सभा स्थल वगैरह देखना है तो आप इसी का पार्ट दो जरूर देखें। देखिए यहाँ का शानदार नजारा। देखिए छत ज्यादा ऊंची तो नहीं है, मगर देखिए यहाँ दीवालों पर जगह जगह सुरक्षा छिद्र बनाए गए हैं। देखिए परम बाबा का चबूतरा है ये। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। यह देखिए राघव जी का मंदिर है ये। इन्हीं के कारण इस शहर का नाम विजय राघवगढ़ रखा गया था। यह देखिए दीवार पर यह सुंदर बेहतरीन जालियां हैं और इन पत्थर के स्तंभों पर देखिए संग तराशों ने बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया है। देखिए नक्काशी, देखिए दोस्तों इन पत्थर के स्तंभों में शिल्पकारों ने अपनी कला कौशल और बौद्धिक क्षमता का देखिए बेहतरीन सबूत पेश किया है। यह देखिए अंदर का नजारा। यह देखिए अंदर की दीवारों पर भी जगह जगह सुरक्षा छिद्र बनाए गए हैं। इस किले की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी। यह देखिए द्वार देख रहे हैं आप, इस द्वार के आगे एक गलियारा है और उस गलियारे के बाद मुड़िया महल है, मगर सुरक्षा कारणों से अभी उसमें ताला लगा हुआ है। फिलहाल अभी हम आपको वह नहीं दिखा पाएंगे, मगर यह देखिए यह बट वृक्ष जो बरगद का पेड़ है, इसने किस तरीके से दीवारों को अपने आगोश में ले रखा है अभी आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से बरगद की जड़ों ने दीवारों को अपने आगोश में ले रखा है। यह देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शिलालेख भी है जिसे लोग राजा के खजाने की कुंजी भी कहते हैं। अभी हम आपको वह शिलालेख भी दिखाएंगे। यह देखिए पत्थर की चौखट है, इसी पर वह शिलालेख जड़ा हुआ है। यह देख सकते हैं आप, यह है शिलालेख। इसे कुछ लोग राजा के खजाने की कुंजी भी कहते हैं, मगर हकीकत में यह कलचुरी कालीन शिलालेख है। इसमें किसी महाकुमार मन्मथ देव का उल्लेख है। आप देख सकते हैं यह शिलालेख और आगे यह मुड़िया महल का दरवाजा है। दोस्तों यह बहुत ही बेहतरीन और शानदार जगह है, एक बार आप समय निकाल कर इधर जरूर आएं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें, यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।